हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु में होना चाहिए। संविधान कहता है कि 18 वर्ष की आयु में होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष के बाद करा दीजिए आप विवाह, क्या समस्या है? नहीं जी, मेरे बेटी का जॉब और करियर का ध्यान रखना है। अरे, तुम्हारे करियर के चक्कर में ना वो अपना कैरेक्टर खत्म कर देगी, और कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ये भी तो तुम अंग्रेजों ने तुमको ये भी तो सिखाया होगा। शास्त्र तो धर्मशास्त्र सिखा रहे, लेकिन इतनी भी चीज समझ में नहीं आ रही है। जॉब करियर के चक्कर में 30 से 35 से उम्र में लड़कियां विवाह कर रही है, तो 18 से 30 वर्ष के, 16 से 30 वर्ष के बीच में वो लड़की की जो प्राकृतिक भावना ऊपर उत्पन्न हो रही है, नेचुरल चीज, उसका क्या होगा? और इसी का फायदा उठाने के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लड़कियां भी उसी आयु में बाकायदा आड़ी टेढ़ी होकर खूब फोटो खींचती है, जैसे कोई फ्री में अपना प्रदर्शन करती हो, अपने शरीर का, अपने मनोरंजन करती है समाज का एक प्रकार से। ठीक है, आप अपने परिवार में फोटो खींचो, कोई मना नहीं, परिवार वालों से शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है सार्वजनिक रूप से इस तरह से करना? और ये सब माँ बाप देखते रहते हैं और चुप रहते हैं ये माँ बाप, और कहते जब वो जब इधर्मियों के चक्कर में फंसते हैं तो कहते हैं कि उसकी खुशी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, और ऐसा करते समय ये लोग अपने धर्म की बलि देते हैं। वो भूल जाते हैं 7 साल के उन 12 साल के बालकों को कि जिनको जिंदा चिनवाया गया दीवारों में, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। वो भूल जाते हैं उन बलिदानियों के बलिदान को जो जिनको गर्म सलाखों से आंखें फोड़ दी गई, लेकिन फिर भी धर्म नहीं त्यागा। वो भूल जाते हैं रानी पद्मावती जैसी सतियों को जिन्होंने धधकती आग में कूदना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी अस्मिता और चरित्र पर आँच नहीं आने दिया, विधर्मियों को छूने नहीं दिया सिरा। महारानी पद्मावती को भी अपना करियर दिखाई दे सकता था, वो भी सोच सकती थी कि मैं क्यों आग में कूदू, आने दो, एक धर्म का नहीं तो विधर्म का ही सही। वो भी तो रानी बन के रख रहा है, वो भी तो प्रेम कर रहा है मेरे से, और उसके लिए अपना पूरा इतना प्रेम की सेना लेकर आ गया, चाहे वो वासनात्मक वासनात्मक ही सही, क्या दिक्कत थी उसके साथ में? दिक्कत थी क्योंकि वो संस्कार और संस्कृति, वो जो चीजें थी ना, संस्कार जो माँ बाप ने दिए थे, वो जो संस्कार उनको कुल परंपरा से मिले थे, वो जो संस्कार उनको शास्त्र से मिले थे, वो जो संस्कार उनको सनातन धर्म से मिले थे, वो जो संस्कार उनके पूर्वजों से मिले थे, जो वो इतिहास में उसको संस्कार जो मिले थे, वो संस्कार बाधक बने कि चाहे मुझे आग में जलकर मरना पड़े, दहकती आग में कूदना पड़े, लेकिन विधर्मियों को मैं अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। और एक नहीं, कई वीरांगनाएं जो हैं उसमें दहकती आग में कूद गई। उससे बढ़कर क्या करियर हो सकता था? महारानी बन जाती वो महारानी। या तो शास्त्रों की मानो, सुनो, उसका आचरण करो, उसके लिए लड़ो, संघर्ष करो, उसकी रक्षा करो। इसीलिए किसलिए बच्चे पैदा करते हो? कि ताकि तुम्हारे कल तुम्हारे बच्चों को कोई ऐसे दो चार गिद्धे मिलकर नोचे उसके, उस लड़की के शरीर को। अगर यदि ये चाहते नहीं हो तो सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपने संस्कृति परंपरा के अनुसार उनके लिए वर खोजना आरंभ करो, शीघ्रता के साथ वर खोजो। मर गए क्या 100 करोड़ में से तुमको, क्या 50 करोड़ तुम्हें कोई हिंदू में मिलते ही नहीं है? 19 शैतानों के बीच में तुमको देवता दिखाई देते हैं, क्या क्या इंसानियत है उनमें? मनुष्यता है, इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत चल रही है हमारी। अरे, हिंदुओं में इंसानियत इंसानियत ही नहीं बची है, सनातन धर्म वालों के पास मानवता ही नहीं बची है, नपुंसक बन के बैठे हैं ये लोग। ये कहाँ जा रहे हो तुम लोग, किस दिशा में जा रहे हो? और ये सारा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात जो मैं बोल रहा हूं जिस कठोरता के साथ और जिस शास्त्र प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, इसको सुनो, सुनाओ, और कान में अगर रुई डाली हो ना तो रुई निकाल कर उनको सुना, अपने बच्चों को सुना कि ये जो व्यक्ति कह रहा है सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ये घटना अगर हमारे साथ होगी तो क्या होगा? कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, उनकी पीड़ाएं होती है, तकलीफ होती है, गुरु जी कौन सा बजरंग बाण करे, क्या बजरंग बाण करोगे? लड़की किसी के साथ विधर्मी के साथ चली गई, क्या बजरंग बाण से वापस आएगी? और तुम लोग नपुंसक हो गए हो, तो 16 वर्ष की कन्या होते से उसके लिए वर खोजना शुरू कर देना चाहिए, 18-20 तक उसको करा देना चाहिए विवाह। फिर जाओ भैया, तुमको पढ़ना है, करियर बनाना है, तो अपने पति के घर बनाओ, पति के साथ बनाओ,
माता पिता के साथ बनाओ, ससुराल में बनाओ, क्या समस्या है? यह हमारी संस्कृति है। पहले ये हमारे संयुक्त परिवार वो नष्ट हो गए, फिर माता पिता साथ में रहने लग गए, चलो माता पिता को भी हटा दिया, अब हम दो हमारे दो रह हो रह गए। अब ये हो रहा है कि भाई हम दो हमारे दो नहीं, तुम्हारा घर अलग मेरा घर अलग, एक लड़का तुम्हारे पास एक लड़की मेरे पास। उसमें भी लड़की कहती है कि नहीं, हमको तुम लोगों के साथ नहीं रहना, माता पिता के साथ मुझे भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना है। तुम कौन होते? मैं 18 साल की हो चुकी हूं, तुम होते कौन है मेरे जीवन में निर्णय लेने वाले? तुम कौन होते मेरे जीवन में निर्णय लेने वाले? मैं अब बालिग हो चुकी हूँ। 18 वर्ष की लड़की क्या बालिग बालिग होती है? लेकिन बताओ उसके अनुभव, उसके जीवन के क्या अनुभव उसके पास होते हैं? शरीर से बालिग होने से क्या आदमी जीवन से भी बालिग हो जाता है? जीवन के सारे अनुभव उसने प्राप्त कर लिए। हमारी परंपरा रही है स्वयंवर की, लड़की के लिए तुम अपनी मर्जी से स्वयंवर खोजो, ये परंपरा रही है, लेकिन कुल मर्यादा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, संस्कार के साथ। क्या संस्कार होता है वहां पर? एक शैतान ने रिंग तुम्हारे हाथ में डाल दी तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा संस्कार हो गया, तुम्हारा पति हो गया, वो तुम्हारा उद्धार कर देगा। वो शैतानी को रिंग है, वो सब शैतानी रिंग है। वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स करके ऐसा कोई पिक्चर बना हुआ है, उसमें भी यही चीज दिखाते हैं। क्या संस्कार हो गया वो? जहां देवता का आह्वान नहीं, जहां संस्कृत, जहां कोई हवन नहीं, यज्ञ नहीं, पूजन नहीं, कोई शपथ नहीं चल रहा, ठीक है उनकी परंपरा है, हम उसमें उसमें हम कुछ क्या बोलेंगे? हम उनकी अपनी परंपरा बने, हमारा कहना बस केवल अपने जो संस्कृति के लोग हैं उनके लिए है, मुझे उन लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, उनका अपना जो है सो है,